महाराष्ट्र के बड़े नेताओं में से एक और बेहद ही मुखर नेता संजय निरुपम हमारे साथ हैं, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे, आज ने आपने शुरुआत करी जय श्री राम एकदम आजादी के साथ बोला आपने, हम जब तो आपसे मिलते हैं तो आप नमस्ते करते हैं, लेकिन आज क्या आजादी के साथ जय श्री राम बोल पा रहे हैं जो कांग्रेस में? आगे भी हम नमस्ते करेंगे, प्रणाम करेंगे, सलाम भी करेंगे, अब जय श्री राम भी करेंगे, पर कांग्रेस पार्टी में इस तरह से थोड़ा ऐसा नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर कि राम को लेकर के जो एक कांग्रेस में आग्रह रहा, जो बार बार दिखता रहा है, और इस बार खासकर अयोध्या में जो रामलला विराजमान हुए तो उसके आमंत्रण को लेकर के जिस प्रकार से एक बहुत ही छोटे स्तर की राजनीति की गई, उस पर बहुत लोग कांग्रेस पार्टी में नाराज थे। और मुझे ये कहना पड़ेगा कि राम इस देश के प्राण हैं, उन्होंने जिन मूल्यों की स्थापना की है उन्हीं मूल्यों के आधार पर भारत की सामाजिक संरचना तैयार हुई है, और इसमें वो किसी धर्म के या किसी जाति के नहीं थे, वो सबके हैं। और ऐसे में राम के नाम पर बात बात पे ऐतराज होना निश्चित तौर पर गलत है, और जिसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी भोग रही है। एक अहम सवाल कि आपने एक हफ्ता पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तब कहा था कि एक हफ्ते का समय मैं देता हूँ, इस दौरान क्या कांग्रेस के किसी बड़े नेता से आपकी बातचीत हुई, राहुल गांधी से या मल्लिकार्जुन खड़गे से या सोनिया गांधी से कभी कोई बातचीत हुई या आपकी बात सुनी गई? नहीं, उतने बड़े नेता, लेकिन बाकी नेता लोगों का फोन आया था, किसी का मिस्ड कॉल भी आया, कल भी मुझे किसी ने बात की, बड़े नेता हैं AICC के, उन बोले कि आप मत जाइए। तो मैंने बताया ना कि इसमें कांग्रेस पार्टी में कई अलग अलग धाराएं बह रही है, 5 पावर सेंटर है, सबकी अपनी अपनी धारा है, तो कोई चाहता चला जाए, कोई चाहता रह जाए, उनके टकराव में कई लोग जा रहे हैं। तो एक पूरा जो संगठनात्मक ढांचा है कांग्रेस का वो पूरा बिखर गया है, खराब हो गया है, उसका नतीजा यह है कि धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी नीचे जा रही है। इसके पीछे रीजन से 5 पावर सेंटर्स हैं या फिर उनके पीछे जो लॉबी हो रही है वो 5 सेंटर की अपनी अपनी लॉबी है। जब भी कोई पावर सेंटर बनता है तो उसका एक कॉकस तो बनता ही है, तो इस समय 5-5 कॉकस है, 5-5 लॉबी है, सब आपस में एक दूसरे से सिर्फ फुटाउल कर रहे हैं, और उस चक्कर में कांग्रेस पार्टी का काम नहीं हो पा रहा है, कहीं पर लेफ्टिस्ट हावी है, कहीं पर कोई हावी है। तो ये जो कांग्रेस पार्टी में कोहेसिवनेस होनी थी वो कोहेसिवनेस नहीं दिख रही। जो कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि आपको टिकट नहीं दिया गया इसलिए आप नाराज हुए, और सिर्फ उसी नाराजगी की वजह से आपने पार्टी छोड़ी, और आपकी बात सुनी भी गई, ये भी उनका कहना है। सुनी जाती तो ये नौबत ही नहीं आती। मैं तो बता रहा हूँ कि एक हफ्ते पहले मैंने बताया था कि मैं इससे नाराज हूँ और मैं खिचड़ी चोर के लिए काम नहीं करूंगा, और ये सीट पर मुझे चुनाव लड़ना है, और पार्टी ने पहले बोला था कि आपको चुनाव लड़ना है लोकसभा का, तो मैं एक हफ्ते का टाइम देता हूँ। एक हफ्ते तक किसी ने बात ही नहीं की, तो जो लोग बोल रहे सुनी गई है वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। आपके बहुत सारे वीडियोज वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, खासतौर पर जो प्रधानमंत्री की आलोचना आपने की थी उसको लेकर काफी ज्यादा वीडियो वायरल हो रहे हैं, लेकिन आज आपने काफी तारीफ भी की है, उनकी लोकप्रियता की तारीफ की है, क्या आज आप आजादी के साथ मोदी जी के बारे में क्या कुछ बोल सकते हैं? नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता है, इस बात से तो आप इनकार नहीं कर सकते, और उनकी लोकप्रियता के मुकाबले इस समय पूरे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में कोई भी नेता नहीं है, ये एक सच है, और उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, तो ये एक सच है, और इस सच को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं स्वीकार करेंगे तो धीरे धीरे आपकी पार्टी सिमटती चली जाएगी। पर जो आलोचना आप पिछले जब कांग्रेस में थे तब आप कांग्रेस में रह करके तो हम सत्ता पक्ष की आलोचना ही करेंगे भाई, अब विपक्ष में बैठ करके सत्ता पक्ष की तारीफ तो नहीं की जा सकती, और कोई सत्ता पक्ष में बैठ करके विपक्ष की तारीफ तो नहीं कर सकता, तो ये तो एक लोकतांत्रिक परंपरा है, दो अलग अलग पार्टियां एक दूसरे के विचारों के खिलाफ होती है, एक दूसरे की विचारधारा के खिलाफ होती है, एक दूसरे के फैसलों को भी कई बार अगर सही भी हो सकता है तो स्वीकार भी करते हैं, लेकिन विरोध भी करते हैं। राजनीतिक करियर काफी लंबा रहा है आपका, और ये सबको पता है कि आप घर पर तो नहीं बैठने वाले हैं, तो ऐसे में आगे का क्या स्टेप रहने वाला है, और चर्चा ऐसी भी है कि शिवसेना शिंदे गट के साथ आपकी चर्चा हुई है और आप वहीं जा रहे हैं, आगे क्या करना है मैं बताऊंगा, लेकिन अभी आने वाले 4-5 दिनों तक कोई फैसला नहीं करना है, और कहीं जब नवरात्रि शुरू होगी तो उसके बाद एक हम तय करेंगे और बताएंगे आप। नॉर्थ पश्चिम की जो सीट है जिसको लेकर आप नाराज चल रहे थे, टिकट नहीं मिला, दूसरे पार्टी ने वहाँ कैंडिडेट उतारा, आप नॉर्थ पश्चिम सीट से ही चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, और जाएंगे तो किस पार्टी के साथ, क्योंकि महायुति ही अब विकल्प है आपके पास? देखते हैं, अभी आपका इस सवाल का जवाब इस समय नहीं दे सकते, आगे जरूर देंगे। एक आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग की चर्चा आपकी हो रही है? ऐसा कुछ नहीं है, मेरे मिलते रहे हैं, बहुत सारे हमारे जो लोग उस तरफ हैं उन लोगों से मुलाकातें होती रहती हैं सुबह शाम, ऐसा कुछ खास नहीं है।